बात पूर्व अग्निवीरों पर बीएसएफ के एक महत्वपूर्ण फैसले की। अग्निवीरों को बीएसएफ में अब 10% आरक्षण मिलेगा, जिसका बीएसएफ ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है। साथ ही उम्र में भी पूर्व अग्निवीरों को रियायत मिलेगी। आपको बता दें, इससे पहले अग्निवीर योजना पर विचार करते हुए सरकार ने पूर्व अग्निवीर जवानों के लिए सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10-10% आरक्षण का प्रावधान किया था, ताकि सेना में 4 साल सेवा देने के बाद जब कोई अग्निवीर जवान बाहर आए तो उसके पास बेहतर विकल्प हों। जबकि 25% अग्निवीरों को सेना में नियमित कर लिया जाता है। 4 साल इन्होंने मशक्कत की, नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं, जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं, वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा, जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे, हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो है जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10% इनके लिए रिजर्व होगा, आरक्षित होगा, और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। अब ये अग्निवीर योजना है क्या, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। दरअसल अग्निवीर योजना भारत में 2022 में शुरू की गई थी, और अग्निवीर योजना युवाओं के लिए एक तरह की स्कीम है, जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा देने का मौका दिया जाता है। अग्निवीर योजना के माध्यम से भारतीय सेना में शामिल होने के लिए कई शर्तें और नियम भी हैं, जिनका ध्यान रखना पड़ता है जब आप अग्निवीर योजना में जाते हैं। तो अग्निवीर योजना के माध्यम से केवल अविवाहित उम्मीदवार ही सेना के लिए आवेदन कर सकते हैं, हालांकि महिला और पुरुष दोनों ही अग्निवीर के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन अग्निवीर योजना के तहत जो उम्मीदवार हैं वो अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान यानी सेवा काल के दौरान शादी नहीं कर सकते। अब कितने अग्निवीर सेना में अभी तक शामिल हुए ये भी आपको बता दें। ट्रेनिंग से लेकर ड्यूटी तक टॉप आर्मी ऑफिसर जो है वो बताते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ है। रक्षा मंत्रालय के अग्निपथ स्कीम को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाता रहा, यानी इस मामले में सियासत भी होती रही है। बहरहाल इस बीच सेना के एक जो शीर्ष अफसर हैं वो कहते हैं कि अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर को लेकर जो भी बातें की जा रही हैं वो गलत हैं। अग्निवीर के साथ सेना में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। ये भी बताते हैं सीनियर अफसर की योजना पर सियासी आरोप जो लगते हैं वो ठीक नहीं है। वो कहते हैं केंद्र में सैनिकों की 2 श्रेणियां बन गई हैं, लेकिन अग्निवीर समान ही वर्दी पहनते हैं और एक ही ड्यूटी भी निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में उनकी स्थिति बाकी सैनिकों से और बेहतर है। हालांकि सेना में 1 लाख अग्निवीर या अग्निवीरों का पहले बैच का जो दिसंबर 2022 जनवरी 2023 में भर्ती और एनरोलमेंट किया गया, यानी लगभग 1 लाख अग्निवीर सेना में एनरोल किए गए, इसमें लगभग 200 महिलाएं भी शामिल, यानी अग्निवीरों में महिला अग्निवीर सैनिक भी शामिल हैं। अब सेना के जो सीनियर अफसर हैं वो कहते हैं कि इस वर्ष 2024-25 में भी लगभग 50,000 वैकेंसी जारी हुई हैं, यानी एक बार फिर से 50,000 जो अग्निवीर हैं वो सेना में भर्ती होंगे। और दूसरी तरफ यूनिट में पूरी तरह ये सैनिक भुले मिले हैं। सीनियर अफसर बताते हैं कि लगभग 70,000 अग्निवीरों को पहले ही यूनिट में भेजा जा चुका है, यानी अपनी वो ड्यूटी निभा रहे हैं। अग्निवीर अपनी संबंधित बटालियनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वे सभी एक्शन, ऑपरेशन और अन्य प्रोफेशनल ड्यूटी उसी प्रकार निभा रहे हैं जैसे यूनिट में दूसरे सिपाही या रंगरू करते हैं। वे लोग अपनी यूनिट में पूरी तरह से घुले मिले हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में वे औरों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, बहरहाल केंद्रीय बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% कोटा रखा गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती का बड़ा कदम उठाया था। इसके तहत केंद्रीय बलों में पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के लिए 10% आरक्षण और उम्र में छूट के प्रावधान भी किए गए हैं। इतना ही नहीं, पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी। इससे पहले सरकार ने फैसला किया था कि अग्निवीर GD, अग्निवीर टेक, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट SKT, अग्निवीर ट्रेड्समैन के जरिए युवा सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर टेक में साइंस यानी PCM वाले जो छात्र हैं उन युवाओं को मौका मिलेगा।
वहीं अग्निवीरों को भारतीय वायुसेना में भी अवसर मिल रहा है। तो अग्निवीरों का भविष्य बेहद उज्जवल है। 4 साल बाद जब आप सेना में सेवा देके बाहर निकलते हैं तो आपके पास तमाम विकल्प होते हैं, यानी कि BSF, CISF या ITBP में तो आपके पास मौका है ही सीधे भर्ती होने का, चूंकि आपके लिए 10% वहां पर आरक्षण भी रखा गया है विशेष तौर से अग्निवीर, पूर्व अग्निवीर जवानों के लिए। लेकिन इसके अलावा जब आप दूसरे जगह जाते हैं सरकारी सेवाओं में तब भी आपको प्रेफरेंस मिलता है। दूसरा, जब आप पूर्व अग्निवीर के तौर पर बाहर आते हैं तो तब आपकी उम्र लगभग 22 साल होती है, यानी कि आपके पास बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। तो इसे नेगेटिव नहीं बल्कि सकारात्मक नजरिए से लीजिए।